इन महाशय को तो आप शायद जानते ही होंगे, ये है पुनीत सुपरस्टार, सॉरी लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। एक वक्त था जब सुपरस्टार का दर्जा रजनीकांत को दिया जाता था और वो इस चीज को डिजर्व भी करते थे, लेकिन जमाना अब चेंज हो चुका है। लोगों के आइडल्स, लोगों के हीरोज अब बदल चुके हैं। अब इंस्टाग्राम पर क्रिंच कंटेंट तो हजारों लोग बना रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पुनीत की। पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.6 मिलियंस फॉलोवर्स हैं और इनको बिग बॉस जैसे शो में इनवाइट किया जाता है और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है, और वहां पर ये कहते हैं कि वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन 2.6 मिलियंस फॉलोवर्स वो भी क्रिंच कंटेंट के साथ में, नॉन डाइजेस्टिव। ये खुद को कहते हैं एक हीरो और एक सुपरस्टार हर एक इंटरव्यू में, एंड ऑब्वियसली 99% लोग इसको मजाक में लेंगे और सुनकर माइंड से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या हो जब 1% लोग भी इसकी बात को सीरियसली ले लेंगे और इसे इन्फ्लुएंस होकर, इसे अपना आइडल मानकर उसके जैसे बनने को निकल जाए तो? क्योंकि ये सड़क पर चलते चलते एकदम से कीचड़ पर गिर जाता है, चड्डी पहनकर 5-स्टार होटल में घुस जाता है, और कभी हार्पिक तो कभी आटा तो कभी क्या ऐसी हार्मफुल चीजें ये अपने फेस पर लगाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी ऐसी वीडियोस पर मिलियंस पर व्यूज होते हैं। एक बहुत ही कमाल की थ्योरी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार जब भी हम लोगों का बिहेवियर देखते हैं तो वो सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में रिटेन कर जाता है, और जैसे ही उस बिहेवियर को मोटर रिप्रोडक्शन यानी कि हम शरीर से वो काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड में मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हमें मजा आता है मोटर रिप्रोडक्शन करने में। एग्जाम्पल के लिए, किसी को भी पैर हिलाता देखकर हम भी पैर हिलाने लगते हैं, किसी को भी उबासी लेते देख हम भी उबासी लेने लगते हैं, और किसी को गाना गुनगुनाते देख हम भी सेम गाना गुनगुनाने लगते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो बिहेवियर है वो प्रोग्राम होता है। अभी हाल ही में मैंने एक 14-15 साल के बच्चे का वीडियो देखा जो कि पुनीत जैसे हरकतें कर रहा था, और अगर हम ऐसे ही क्रिंज वीडियोस बनाने वाले को लॉर्ड सुपरस्टार इन्फ्लुएंसर एक्टर इनका दर्जा देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फ्यूचर में आपका बच्चा स्कूल से घर आकर कीचड़ में लोटपोट होकर वीडियो बनाएगा, नाली में वीडियो बनाएगा, अजीब अजीब हरकतें करेगा। क्योंकि कुछ वक्त बाद पुनीत के साथ करोड़ों में फॉलोवर्स होंगे, वो BMW गाड़ी में घूमेगा, तो आपको लगेगा कि ऐसी हरकतें करके आप क्यों नहीं घूम सकते, फिर आप अपने बच्चों को कैसे मना करोगे। और मेरे इस वीडियो में पुनीत को ही टारगेट करना मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर आज आप एक लड़की के हॉट पिक्स को लाइक करते हो, उन्हें फॉलो करते हो और इस चीज़ को बढ़ावा देते हो कि न्यूडिटी ही सबसे ज़्यादा चलती है, तो ऑब्वियसली ही कल को तुम्हारी बहन बेटी और वाइफ भी सेम चीज़ करने के लिए इंस्पायर हो सकती है, इनफैक्ट हो रही है। तो अपने एक लाइक और एक फॉलो की कीमत को समझो और सही लोगों को फॉलो करें और सही लोगों को लाइक करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, और उन सभी लोगों को जो कि बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करते, सिर्फ न्यूडिटी को शो करते, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, आइए मिलकर उन सभी का धंधा बंद करते हैं। उन सभी लोगों को आज ही डिसलाइक करो, अनफॉलो करो, और ये एक मुहिम आज पूरे सोशल मीडिया पर फैलनी चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में एक मिनी पोर्न हब बनकर रह गया है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, इन सभी वीडियोज़ में क्या है, डांस, न्यूडिटी, फूड चैलेंज, प्रैंक्स, मीम्स, घटिया ट्रेंड्स और फुल टाइम पास कंटेंट्स, और 100 में से गिनी चुनी 3-4 इंस्पायरिंग एजुकेशनल रील्स। ये है हमारे इंडिया का इंस्टाग्राम का कंटेंट्स, और ये है चाइना का टिकटॉक जो कि सिर्फ उन्हें ही ऐसे वीडियोस रिकमेंड करता है। और उन सभी वीडियोस में क्या है, डेवलपमेंट, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, नेचर, साइंस, एक्सपेरिमेंट, कैरियर, नॉलेज, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब दिखाया जाता है चाइना के टिकटॉक में। अब बात यहाँ पर इंस्टाग्राम की चल रही थी तो ये टिकटॉक बीच में कहाँ से आया। वैसे भी टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन आप सभी लोग याद रखिए कि इंस्टाग्राम भी टिकटॉक से कम नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम ने टिकटॉक का ही एक रूप ले लिया है। और क्या होगा अगर आपको सभी को पता चलेगा अचानक से कि भारत और अमेरिका के बीच एक जंग छिड़ गई है और अमेरिका ने भारत के हर एक कोने में करोड़ों सेंसर्स लगा दिए, जिससे कि अमेरिका को सब कुछ पता है कि भारत के लोग कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। वेल, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे देश भारत के साथ ये कर चुके हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे अलग अलग चीज़ों का एक्सेस मांगते हैं, जैसे कि वो एक्सेस मांगते हैं कॉन्टैक्ट का, जिससे कि ये पता लग सके कि आप किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में हो। वो कैमरे का एक्सेस मांगते हैं ताकि हर वक्त आप पर नज़र रखी जा सके, चाहे कैमरा ऑन हो या फिर ऑफ हो। वो माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं ताकि हर वक्त वो ये सुन सके कि आप क्या बोल रहे हो और किससे क्या बातें कर रहे हो। वो फोटोज़ का एक्सेस मांगते हैं ताकि ये पता लग सके कि आप किस टाइप के इंसान हो।
लोकेशन का एक्सेस मांगा जाता है ताकि ये पता लग सके इस वक्त आप कहाँ पर हो और कहाँ जा रहे हो। और इस तरह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखे हैं और हम सभी लोग एक कठपुतली बनकर रह गए हैं जो कि उनकी इशारों पर नाच रहे हैं। और ना चाहते हुए भी हम उनके प्लेटफॉर्म से एडिक्ट हो चुके हैं और ये कोई अनजाने में नहीं हुआ। ये सारी चीजें एक सोची समझी साजिश है। सलाउद्दीन जो कि 12th सेंचुरी के एक मुस्लिम मिलिट्री लीडर थे, उनका कहना है कि अगर किसी भी देश को बिना युद्ध के हराना हो तो उनके युवाओं में न्यूडिटी को फैला दो और उसके बाद में धीरे धीरे उस देश का पतन निश्चित है। और यही सब हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि 10-12 साल के लड़के मास्टरबेट करते हैं, 10-12 साल की लड़कियां वल्गर डांस करती है, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम ओपन करती है तो वो ये देखती है कि छोटे कपड़े पहनकर वल्गर डांस करके पिछवाड़ा दिखाऊं तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत में नेम फेम पैसा फॉलोवर अटेंशन सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो अगर बाकी लड़के छोटे कपड़े पहनकर वल्गर डांस करके इतना सब कुछ पा रही है तो मैं क्यों नहीं पा सकती। और ये सोच उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है ऐसे काम करने के लिए। तो इस बात को समझो और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मत दो। और मैं आप सभी के साथ मेरा एक पर्सनल रिसर्च शेयर करना चाहूंगा। अभी इंदौर में YouTube ने एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इंदौर के कुछ यूट्यूबर्स को इनवाइट किया और अगर कोई यूट्यूबर वहां जाना चाहता था तो अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके फिर जा सकता था। वहां एजुकेशन कैटेगरी के लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे और वहीं पर शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिंज कंटेंट वल्गर वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स भी आए थे। हमारा जो चैनल है अविनाश 1989, ये भी मोटिवेशनल वीडियोस एंड इंस्पायरिंग वीडियोस के कंटेंट बनाते हैं और ये भी एक एजुकेशनल कैटेगरीज में आता है। एजुकेशनल कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि जैसे डेवलपमेंट स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन साइंस एक्सपेरिमेंट कैरियर एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूथ को अच्छी चीजें बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है। इस कैटेगरी में आपको कहीं पर भी न्यूडिटी या फिर वल्गर्स नहीं मिलेंगे और ऐसी वीडियोस बनाने वाले वहां बैठे एजुकेशनल क्रिएटर्स जो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, जो बच्चों को लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में 8 मिलियन से 10 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए अपने मेहनत के दम पर, वो वहां बैठे बैठे उन क्रिंज कंटेंट बनाने वाले उन छपरियों को गेस्ट स्पीकर के रूप में देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों बुरा लगा। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि अब वो जो वीडियोस में गंदगी मचा रखे हैं, जो लोगों को गलत चीजें दिखाकर न्यू यूथ को गलत चीजें सिखा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी बात क्या एजुकेशनल कैटेगरी के यूट्यूबर सुने। उनकी वीडियोस की कैटेगरी ऐसी है तो उनकी ज्ञान की कैटेगरी कैसी होगी। और इस बात को शेयर करने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था कि वहाँ जितने भी गेस्ट स्पीकर्स थे उसमें से एक सिंगल यूट्यूबर भी एजुकेशन कैटेगरी का नहीं था, सारे स्पीकर्स वो छपरी ही थे। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि न्यू यूथ आने वाले समय में किस चीज में महारत हासिल करेंगे, वो एजुकेट मोटिवेशन की राह में चलेंगे या फिर न्यूडिटी का नंगा नाच मचाएंगे। मुझे इस लाइन को कहने में झिझक हो रहा था पर मैंने कह दिया। लेकिन मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि इंस्टाग्राम तो गिरा हुआ है ही सही, लेकिन यूट्यूब ने भी अपनी औकात दिखा दी। यूट्यूब भी इन क्रिंज कंटेंट बनाने वाले को बहुत प्रमोट कर रहा है और उन्हें इतना ज्यादा सम्मान दे रहा है। और अगर इस तरह के वीडियोस बनाकर वो इतना आगे बढ़ सकते हैं तो बच्चे और नए युवा यही सोचेंगे हम क्यों नहीं पहुंच सकते इस तरह का वीडियो इस तरह का कंटेंट बनाकर। और इस तरह से क्रिंज कंटेंट बनाने वाले को बढ़ावा मिलता है और फिर ये चीज कोरोना से भी ज्यादा फैलती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कौन लोग है जो इन लोगों को इतना बढ़ावा दे रहा है, इनकी वीडियोस पर 50-50 मिलियंस व्यूज दे रहा है, कौन देख रहा है आखिरकार इन्हें। इन्हें कोई और नहीं बल्कि हम ही देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन WHO के पास में है पर याद रखिए इनकी जो वैक्सीन है वो हमारे ही हाथों में है। इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आप किसे फॉलो कर रहे हो, किसे सब्सक्राइब कर रहे हो और किसे बढ़ावा दे रहे हो, चॉइस आपके हाथों में है। देश का फ्यूचर आपके हाथों में है कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हो और किन लोगों को आप पीछे ढकेल रहे हो। जिन लोगों को आप सपोर्ट करोगे, जिन लोगों को आप आगे बढ़ाओगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारे यूथ आगे बढ़ेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सही लोगों को फॉलो करें, सही लोगों को सपोर्ट करें और सही लोगों को लाइक करें और सभी बुरे लोगों को अनफॉलो करके डिसलाइक करें और ऐसे वल्गर और फालतू की वीडियोस ना देखें जो आपका टाइम के साथ में आपका फ्यूचर भी खराब करेगी और इसका फर्क आने वाले जनरेशन को 101% पड़ेगा। आप सोचिए आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो एक मिनट में कोई भी चीजों को सीख लेता है तो ऐसी वीडियोस देख के क्या वो चीजें नहीं सीखेगा। आप हमेशा से यही कहते हैं ना, मैं देश के लिए ये कर लेता, देश के लिए वो कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं वैसा कर लेता। जो नहीं हो सकता उसमें बात करके क्या मतलब। अगर कुछ करना है तो सही चुनाव करके दिखाओ जो आने वाले यूथ को आने वाले जनरेशन में फर्क पड़ेगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत पावरफुल है, जब इससे मुझे मोटिवेशन मिल सकता है तो इससे आने वाले जनरेशन में भी जरूर बदलाव आ सकता है। आपका लिया हुआ अभी का डिसीजन आने वाले जनरेशन के लिए आने वाले यूथ के लिए बहुत बदलाव ला सकता है। तो आप इस चीज को बहुत गहराई से समझिए। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं
और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। मैं अपने देश के युवाओं के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।